क्या ट्रिमिंग करने से बाल तेजी से ग्रो करते हैं? बट बाल तो स्कैल्प से निकलता है, फिर ट्रिमिंग से इसका क्या लेना देना? मुझे तो नहीं समझ आया आज तक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। काफ़ी लोगों का ये मिथ रहता है कि जो ट्रिमिंग करते हैं तो बाल तेजी से ग्रो करते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हमारे स्कैल्प से बाल निकलता है और वहीं से ग्रो होता है। ट्रिमिंग से सिर्फ ये रहता है कि आपका जो बाल है वो दो मुँहे बालों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, मतलब दो मुँहे बाल है वो निकल जाते हैं ट्रिमिंग से, एंड जो लेवल है वो बराबर रहता है, यानी कि जो आपके बाल नीचे से पतले होते हैं वो निकल जाते हैं, एंड एक ट्रिमिंग करने से एक लेवल में बाल आ जाते हैं। जब ग्रो होते हैं फिर वो बाल बढ़ते हैं ना, तो वो एक सारे समान रूप से बढ़ते हैं, बस ये रहता है, ओके। एंड देखने पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ अपनी सिस्टर की ट्रिमिंग। तो चलिए, आज की वीडियो इसी के ऊपर है, छोटी सी वीडियो है, बड़ी नहीं है, आप लोगों को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना है वीडियो को। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ। पहले देखिए, बाल आपके ट्रिमिंग कर जब भी करें ना, तो आपके बाल स्ट्रेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेड बनाई या बन बनाया हुआ है बालों में, मतलब वेव आ रखी है और आप ट्रिमिंग कर रहे हैं, उससे आपके जो है ना ट्रिमिंग एकदम अच्छे से नहीं होगी। इसलिए बाल एकदम स्ट्रेट हों, जिस दिन आप नहा लेते हैं ना, मतलब बालों को वॉश करते हैं, उस दिन ट्रिमिंग करिए, जिससे अच्छे से ट्रिमिंग होती है, ओके। एंड उसके बाद में भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाल थोड़े से वेव हैं, तो आप लोग क्या करिए, उसे पानी से गीला करिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ स्प्रे बॉटल से, है ना। पानी से बालों को गीला करने के बाद में फिर आप कॉम करेंगे तो आपके बाल हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम करते हैं ट्रिमिंग, और ट्रिमिंग करते वक्त हमेशा याद रखिए, पहले आपको बिल्कुल कम क्वांटिटी, मतलब कि बहुत ही कम बाल को कट करना है। अगर आपको लगता है कि थोड़े से और काटने की ज़रूरत है तो फिर आप थोड़ी और काट दीजिए, लेकिन एक ही बार में अगर आपने ज़्यादा काट दिए बाल तो दोबारा फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं 4 इंच के करीब बाल उनके कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो नीचे से पूरे रफ़ लग रहे थे, एंड बड़े एंड साइज़ भी ऊपर नीचे था ना, तो इसलिए मुझे लगा कि कट कर देना चाहिए, तो मैंने 4 इंच कट करे हैं बाल। लेकिन जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, है ना, एक बार ट्रिमिंग कर लेते हैं ना तो बाल ग्रो तो होता ही है हमारा, तो वो आपको लेवल है फिर वापस इंक्रीज कर लगने लग जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बराबर लेवल हो चुका है, एंड इस तरह से ही आप कट करिए तो इजीली है, और घर पे इजीली आप लोग कर सकते हैं। ज़रूर नहीं आपको सैलून जाने की, बिकॉज सैलून में देखिए 400-500 रुपये इतना सा ट्रिमिंग का ले लेते हैं, या कई कई सैलून में तो बहुत ज़्यादा भी लेते हैं। तो आप लोग घर पर इस तरह से ट्रिमिंग कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली हो जाती है, है ना। एंड इस ट्रिमिंग को मैं आपको बता देती हूँ, आप 2 महीने में एक बार कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 महीने में एक बार ट्रिमिंग कर लीजिए, इससे आपके बाल हैं वो अच्छे भी रहेंगे, हेल्दी भी होंगे, और दो मुँह है बालों की प्रॉब्लम है वो भी चली जाएगी। तो ये मैंने इनके ट्रिमिंग कर ली है, बस इतना सा करना था। और वीडियो कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर, छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए थी। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, एंड सबके साथ शेयर करिए। और हाँ, इवनिंग तक एक और वीडियो आएगी तो बेसब्री से वेट करिए, बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ मैं, इवनिंग में आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ट्रिमिंग आप लोग कौन कौन करेगा मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड कभी भी ट्रिमिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कौन से डे पर करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तो कभी भी कर लेती हूँ, 7 दिन है, 7ों दिन में कभी भी मेरा मन होता है जब मैं कर लेती हूँ, ओके। तो चलिए बाय, टेक केयर। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, अब लेवल एकदम बराबर लग रहा है बालों का, है ना। तो इस तरह से लुक वाइज भी अच्छा लगता है, अगर आप ओपन भी रखते हैं ना कभी से बाल पीछे की साइड से, तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं, वरना एक वो लंबे छोटे वो ऐसे होता है ना बिल्कुल, तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं अगर आप बालों को ओपन रखते हैं। तो इस तरह से मैंने कर ली है ट्रिमिंग, 2 मिनट का काम है, और आप लोग भी अपने घर पर मम्मी के, सिस्टर के, है ना, इस तरह से ट्रिमिंग कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 इंच बाल कट किए हैं, तो आप लोग देखिए नीचे ज़मीन पर जो गिरे थे ना बाल, मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 इंच बाल है वो कट कर लिए थे, है ना। एंड ये फ्रूटी की मम्मी है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये ज़मीन पर जो दिख रहे हैं ना गिरे हुए, ये 4 इंच है ना बाल कट किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब कर लेना, ओके। चलिए बाय बाय।